आज हम पढ़ेंगे नाम बताओ पहेली। गतिविधि का नाम नाम बताओ पहेली, स्वाधिगम है यह। नीचे दी गई पहेलियों को बुझिए। तो यहाँ पर आपको पहेली का नाम बताना है कि इसमें किसका नाम छुपा हुआ है। तो पहेली है, 2 अक्टूबर को जन्मे थे राष्ट्रपिता कहलाते। 2 अक्टूबर को जन्मे थे राष्ट्रपिता कहलाते, नाम बताओ उनका तुम, नाम बताओ उनका तुम जो चरखा सदा चलाते। तो क्या था बच्चों इनका नाम, कौन थे ये? 2 अक्टूबर को जन्मे थे राष्ट्रपिता कहलाते। तो भारत देश के, हमारे देश के राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला है, दूसरी जो पहेली है, नाम बताओ जल्दी उनका, नाम बताओ जल्दी उनका जो नेताजी कहलाते हैं। जय हिंद का नारा जिनका गर्व से सभी लगाते हैं। तो वो कौन थे जो नेताजी कहलाते हैं और जय हिंद का नारा जिस जो सभी लगाते हैं? तो नेताजी कौन कहलाते थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब अगला है, लोह पुरुष थे भारत के वे कहलाते सरदार। लोह पुरुष थे भारत के वे कहलाते सरदार, नाम बताने को तुम उनका जल्दी हो तैयार। ठीक है, लोह पुरुष थे भारत के वे कहलाते सरदार, नाम बताने को तुम उनका जल्दी हो तैयार। तो कौन थे बच्चों भारत देश के ऐसे महान व्यक्ति जो लोह पुरुष कहलाते थे और सरदार कहलाते थे? तो इसका उत्तर आएगा सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये जो थे हमारे देश के लोह पुरुष कहलाते हैं और उन्हें सरदार भी उनके नाम के आगे लगाया जाता है। तो चौथा है, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के चाचा वे कहलाते, फूल गुलाब का अपने कोट पर वे थे सदा लगाते। तो कौन थे बच्चों, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे चाचा वे कहलाते, फूल गुलाब का अपने कोट पर वे थे सदा लगाते। तो यहाँ पे कौन थे, कौन थे ये चाचा? जवाहरलाल नेहरू। तो चाचा जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनका जन्मदिन, चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा है, भारत माता के सपूत थे, भारत माता के सपूत थे रहे सदा आजाद, शहीद हुए अपनी गोली से शहर इलाहाबाद। है ना, भारत माता के सपूत थे रहे सदा आजाद, शहीद हुए अपनी गोली से शहर इलाहाबाद। तो हमेशा आजाद रहे और अपनी गोली से जो शहीद हुए थे वो थे शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, चित्र के नीचे नाम लिखो। तो पहला जो चित्र है यहाँ पर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ हम लिखेंगे सरदार पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये कौन है बच्चों? ये तो आप अच्छे से जानते हो, ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और ये किसका चित्र है? चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद।
ठीक है। और ये जो चौथा चित्र है ये पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिन्हें सभी प्रेम से चाचा नेहरू कहते हैं। और ये है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, अब हम अगला करते हैं। आओ पता लगाएं, ठीक है, आओ पता लगाएं। नीचे कुछ नारे लिखे हैं, यह कथन किसके हैं, उसका नाम नारे के सामने लिखिए तथा उनके बारे में शाला पुस्तकालय या किसी जानकार व्यक्ति से और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला जो नारा दे रखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे नीचे नाम भी लिखे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो ये सभी महान व्यक्तियों के नाम लिखे थे। और किसका नारा है, कौन सा, ये हमें बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यह नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा था शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नारा था ये। जय जवान जय किसान, यह नारा किसका है, चौथे नंबर का, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। आराम हराम है, आराम हराम है, यह नारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनका नारा था ये।